अस्सलाम वालेकुम भैणों ते भराओ, मैं तुहाडा अपना भरा जफरी खान ते अज मैं तुहाडे वास्ते एक बड़ी मजे दी डिश बना रहा। अच्छा मैं सिर्फ तुहाडा नाम ही लैना, तुहाडे वास्ते खा मैं आप रहा हुंना, तुहाडे वास्ते मीन के असल मैं बनाते तुहाडे वास्ते रहा हुंना, क्योंकि मैं इंज लग रहा जिवें तुसीं सारे ही मेरे नाल हो ते मैं खा रहा। हां भाई की बना रहे हो? माना जी अज असीं बना रहे हां बटर मटर ते देसी चिकन। अच्छा पता नहीं लगे कई जा रहे अच्छा अं नाजिन ना मटर ते देसी मुर्गा बना रहे हैं, वह भी मक्खन दे विच। तो देसी मुर्गा मतलब इस करके मैं खाना वा कि ब्रैलर जोड़ा ना वो चौके मैनू ना पसंद नहीं गा, माना जो फोका फोका जहा हों। हालांकि ज़्यादातर लोग जड़े ने या ज़्यादातर जो बच्चे ने वो ब्रैलर ही खाते हैं, है ना। लेकिन माना जी मेरे बच्चे जिन्हें भी ने ना तुसी यकीन करो कि वो देसी ज़्यादातर खाते हैं, यानी कि देसी मुर्गा हो गया, देसी मुर्गी हो गई, तो या बकरे का गोश्त हो गया। तो यह हम असं मटर कट रहे हैं, यह देखो यह मटर असं कट रहे हैं। खान साहब इन्ने मटर कट लेने तुसी हैंड वॉश किया? पहले हैंड वॉश करके और फिर आके मटर छिलो। मैं तू हैंड वॉश दे कहना मैं सारिया सब्जियां धो के ले आया कुकड़ा ना जी तुझे जो हैंड वॉश करवा ही रहेगा। तो असी मटर कट लीए फिर जिमें जिमें नाल पेस्ट का समान तैयार होंदा रहेगा अस तुहानू अपडेट देंदे रहांगे। जिन्नी मर्जी छुरी हाथ च होवे थोम जिहड़ा वह हाथ नाल ही छिलण दा मसा हुंदा, बस एवें एक हल्का जिहा कट दईदा। वैसे ही एडा सोहना थोम भी एक जिंदगी है, मजाक नहीं कर रहा, लसन भी एक जिंदगी है। बाज़ वक्त तुसी इंशाल्लाह फिर किसी नैक्सट वीडियो च तो मैं आलू गोश्त ते नाल चिट्टे चावल, चिट्टे नहीं तड़के वाले नहीं लेकिन वाइट चावल, आलू गोश्त बकरे दे गर्दन दा ते सीने दा गोश्त ते विच मोटे मोटे आलू ते नाल शोरबा ते शोरबा शोरबा जो जो भी जिथे जिथे कहा जाता है, ठीक है जी। ते नाल चिट्टे चावल ते तुसी जिहड़ा आलू गोश्त शोरबे वाला बनावांगे ना उहदे देखना है लसन जिहड़ा ना शोरबे दे विच होएगा पूरा गलिया, लेकिन तुहानू इंज विच विच फिरदा नज़र आएगा। जो तुसी चावलां चिट्टियां दे उत्ते इंज आलू गोश पाओगे तो उत्ते लसन इंज खिल रहा होएगा। जो तुसी नाज़रीन इंज करके हाथ दे इंज करके नवाला बनाओगे ना तो लसन इंज जिहड़ा चावलां च इंज जिहड़ा वह मैश होएगा ना, नाल तुसी थोड़ी जी बोटी तोड़ोगे नाल आलू इंज मैश करके तो इंज लसन ते बोटी जो तुसी इंज खाओगे ना, मैं कहना कि तुसी दुनिया के जिस कोने ते भी खाओगे ना तुसी एक दफा जफरी खान नू याद जरूर करोगे कि यार उन्हें इंज किया सी। माइंड ब्लोइंग मज़ेदार डिश है, इंशाल्लाह असी नैक्सट बनावांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो नाज़रीन जरा अदरक छिल ली असी थोड़ी जी, हाय 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 हाय। देखो नाज़रीन मैं अपने किन्ने वीडियो कह चुकिया वहाँ कई लोगों कई लोग इस तरह करके अदरक कटते रहे ऐ ए ऐ नहीं 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 सिर्फ इंज छिलना ऐ कपड़ा ऐ। देखो नाज़रीन क्या खूबसूरत वह कलर निकल रहा है। नाज़रीन ए हो गई साड़ी अदरक, ये हूँ असी अदरक कुटनी है, ठीक है जी। कट्टण वाला काम सारा पूरा हो गया तो माना जी हूँ असी सारिया चीज़ा धो के तो पकाने वाले पासे आने, क्योंकि गोश भी मामा धो के लिया। हाँ जी तुसी ये सब्जियां भी धोतियां ने, लेकिन नहीं एक दफा मैं अपनियां अखां दे सामने अपने हत्थां नाल धो के तसल्ली करांगा कि वाकई सब चीज़ां सही धुलियां ने कि नहीं। तो आओ जरा पहले सब्जियां ते गोश वगैरह जरा चेक कर लें, दोबारा पानी मार लीए। आओ मुर्गा ये मामे ने धोता होया, लेकिन मैं फिर एक दफा जरा ये पानी शानी मारांगा। अच्छा नाज़रीन पता की
ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਧਰ ਬਾਨਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਧੋ ਗਈ ਹੈ अच्छा मैं तुम्हें बहावगा नहीं मैं केड़ा बटर यूज कर रहा बटर लेकिन ए क्लास यूज कर रहा मैं कहना नाजरीन सुभान अल्लाह ए तू समझना है कि कुश्ता बन रहा है कुश्ता असि मटर जरा पहले थोड़े जे तलांगे क्योंकि मटर ना अक्सर कच्चे रह जाते हैं साढ़े मुल्क आया है सलाद तकरीबन 50% सब्जियां फ्रूट जरा ना वो सलाद की वजह तो खराब हो गया है इसलिए ना बड़ी घट चीज़ा आ रही ने बड़ी मुश्किल चीज़ा लभ के लिया रहे मिल रही ने शुक्र अलहमदुल्ला कि भी ये नहीं कि चीज़ मिल नहीं रही मिल रही है लेकिन थोड़ा जहा ना क्वालिटी थोड़ा जहा उन्नी भी तो ये मटर जड़े ने ये शायद मतलब चिकन गल जाए तो ये ना गल असी इन्हों पहले इसलिए तलन लगे हैं मक्खन के और जेड़ा मेरी पसंदीदा चीज़ है वो ये कुछ लसन जड़ा असी साबत पावांगे कुछ असी ग्रैंड करांगे यानी कि ग्रैंड नहीं करांगे इन कुटांगे क्योंकि लेट आउंदा है बाकी दा असी अदरक लसन जड़ा ना वो असी कुट लाउंगे ऐ लो कुटो भैनों ते भराओ काश तुसी कितने मेरे कोल होवो ना कि तुसी देखो तो सही कि क्या मक्खन दे विच बटर ते लसन जिहड़े ने वो तले जा रहे हैं माने की कर रहे हैं माने लसन ते अदरक कुट रहे हैं हैंड वॉश की है हाँ जी 10 to 15 मिनट वास्ते यह दोवें चीज़ा फ्राई होणगियां ठीक है जी मक्खन च बटर ते लसन फ्राई होएगा फिर असी इन्हां ना जाली नाल कढ लांगे बाहर कढ़ के साइड से रख लेंगे फिर ये ही असी देसी चिकन भुनांगे बे सारे मसाले पा पू के तो जो देसी मुर्गा भुज जाएगा फिर असी जड़ा ना मटर ते लसन बेच पा के फिर 10 मिनट भुन के तो फिर हल्का जिहा पानी लावांगे तो मटर लसन चिकन जो सारा मिक्सअप हो जाएगा फिर मैं तुहानूं ना खा के विखावांगा अच्छा कमेंट बॉक्स तुसीं यह जरूर दसना है कि कभी वाकई तुसीं इंज मक्खन च मटर ते लसन किसी नूं तलदिआं वेखे मेरा दिल चाह रहा है कि इंज हो गए असं योग कर रहे हैं लेकिन मैं कहना सुभान अल्लाह जी शायद तुम पता लगे मैं इंज किया तो वाकई सारी ए देखो सारी खुशबू मेरे वाल आ रही है हम तले जा रहे हैं ना अभी 2-3 मिनट वास्ते दम से रखेंगे ताकि असी अच्छा असी ए भी इस टाइम असी देसी मुर्गा पा सकते हैं मटर लसन तो देसी मुर्गा भी असं कट्ठा भुन सकते हैं लेकिन वैसे ही जरा थोड़ा जहा मैं इनू कढ़ांगा बाहर कढ़ के फिर मैं दोबारा देसी मुर्गा भुनांगा जी देखो जरा मैं कहना काश तुसी मेरे कोल होवो तो तुहानू पता लगे की खुशबू है यह जरा असं थोड़ी देर लगे दम दे मैं भी कह रहा कि मैं हांडी पकान का मज़ा क्यों नहीं आ रहा वो इस करके कि मैं अपना दुश्मन चमचा लिया आया ये लोना चमचा थोड़ी जी हल्की आँच इस करके की हुई है कि जरा मटर थोड़े जे गल जाए क्योंकि अगर मटर ना ना गले तो फिर जो चिकन गल गया तो फिर वो हलवा जहा बन जाना तो मैं वो चाह नहीं रहा मैं खड़ा खड़ा चाह रहा
मटर साढ़े हो गए ने नाजी ए थोड़े जैसे ये मटर कटन लगे असी जरा हर चीज तल के बना रहे हैं, यानी कि तल के कि थोड़ी जी भी गुंजाइश या जो होंगे ना कि वह उबलिया जहा हों बायल जहा नहीं, हर चीज़ इंज परफेक्ट तली होएगी। क्योंकि मैं अपनी जिन्हिया भी हांडिया बनाना ना, मैं उन्होंने पूरी कोशिश करना कि मैं उन्होंने ना पानी का इस्तेमाल बहुत घट करना। नाल नाल पुछेगा नाल नाल असी जिहड़ियां पेस्टां ने वो इस्तेमाल करांगे, इहदे विच ही हर चीज़ पएगी, हर चीज़ भुज्जी जाएगी। मामा लसन कढ़ के देखो, देखो जी ये इंज ही पकेगा, मतलब इंज ही पकेगा, इहनू कहिंदे ने रोस्ट। ए सारा कुछ जिहड़ा साडा लसन प्याज प्यूज हर चीज़ जिहड़ी है सुटो जी बेचे, ए थोड़ा जहा पानी मारो, पानी मार के सुटो बेच, ये असल टेस्ट है। ये हर चीज हम पकेगी, मैं कहना क्या कमाल खुशबू आ रही है लसन दी, अदरक दी, प्याज दी, देसी मुर्गे दी, ते नाल सब तो वड्डी गल है बटर दी, यानी कि मक्खन दी। फिर थोड़े जिहे अपना मसाले ऐड करिए, देखो मतलब कोई नहीं कि भी किन्ने च किन्नी चम्मच पैनी, किन्ने च किन्नी पैनी है, बस हसबे जायका। नमक तुसी जदों भी पाना है ना वो थोड़ा जहा घट ही पाना है, क्योंकि घर च कई लोग नमक खाते हैं कई नहीं, क्योंकि नमक बाद च भी ऐड हो सकता है। थोड़ा जहा जरा सी जरा पानी सिर्फ थोड़ा जहा ऐड करांगे, ये पानी लाओ गिलास, क्योंकि ये ना वो जोड़े बारह मसाले मैं ना ही कभी यूज़ किए ने ना ही कभी खाते ने, जिहड़ी चीज़ ताडे स्टोमिक नू ताडे मेदे नू प्रॉब्लम देवे ना मैं वो चीज़ नहीं खाता, मैं वो चीज़ यूज़ ही नहीं करता। सीधी सीधी काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक ते हल्दी, बस असी मज़ा लेना है लसन का, अदरक का, टमाटर का, मटर का, असी एदा मज़ा लेना, ना कि असी तेज़ मिर्चा ते वो गरम मसाला ते ओ, मैं गर्म मसाला वैसे भी मैं अपनी हांडी बहुत घट यूज़ करना, तुम अज तक नहीं देखा होगा मैं गर्म मसाला पावा, क्योंकि मैं पता ना वो सीना जलता है खाना खाने तो बाद। मैं जोड़ा खाना बनाना ना तो यकीन करो मेरे बच्चे मेरे नाल जोड़े मामा माना शाह जी जिन्हें भी लोग ने वो यकीन करो एक घंटे बाद फिर कहते होंगे ने यार कुछ खाइए ना, यानी कि इन्ना फ्रैश तो सॉफ्ट तो हौला टेस्ट होंगे मेरे मसाल। नहीं पानी नहीं हम ऐड करेंगे, पानी नहीं असी पा, असी सुटा गए ये है
ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਮਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਮਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਨੇ, ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਗਲੇਗਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪੀਸਿਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾਏ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ 'ਚ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਇੰਡ ਬਲੋਇੰਗ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੌਣਾ ਚਿਕਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਪੌਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਗਾਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਟੇਸਟ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਖਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਖਵਾਓ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜੀਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਫੂਡ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਵਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੋਮਿਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮੱਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਰਸ ਪਿਸਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ,
हूँ असी इन तकरीबन 15 मिनट एक उबाला आएगा तो फिर असी इन ना हल्की आँच कर देंगे। हम जरा हल्की आँच से पक रहे ठीक है तो आओ जरा तुम एक होर चीज़ वहां मैं जी की कर रहे हो मामा? जिंदगी च बीमारियां दूर कर रही है नी ना जी। पुदीने तो अच्छी खुशबू किसी चीज की नहीं। ऐसी पुदीना तोड़ रहे हैं, थोड़ी जी ऐसी चटनी बनानी है ताकि उदा भी तुहानू मजा आएगा। पुदीना बहुत ज्यादा सारा लगा हुआ है लेकिन चूंकि थोड़ा जहा मौसम चेंज हो रहा है ना तो इस करके ए पुदीना थोड़ा जहा मामे ने भी तोड़िया हुआ अगे ठीक है जी। ए फड़ो जी ए पुदीना धनिया हरी मिर्च ते लसन आओ जी। ए हो गई साडा पुदीना, यह होगी साड़िया हरिया मिर्चा ते यह हो गया साड़ा एक लसन। ये लाजमी जदों भी तुसी धनिया पुदीना हरिया मिर्चा की चटनी बनानी ना एक तूरी लाजमी पानी क्योंकि यदि माइंड ब्लोइंग खुशबू आती है यदि ठीक है जी। ए हो मामा हाँ जी कम से कम एक घंटा धो के लिया इन ओके जी। ऐ असी एदे विच दोबारा फिर पानी मारांगे वो इस करके कि पुदीने दे विच ना रेत हुंदी है इनू ज्यादा इस तरह धोईदा कि हल्की जी भी क्रीच आ जाए ना सारा मजा खराब हो जाता है। ए ना साडा रेडी हो गया ठीक है तो असी इनू जरा ना हल्की जी आँच ते रखिया होया ताकि वह जरा ना देसी मुर्गे दी हड्डियां च जरा यखनी बाहर आ जाए। तो आओ जरा अज तुहानू ना एक होर एक नवी चीज़ चैक कराइए, नवी तो नहीं खैर लेकिन खाने तो बाद जिहड़ी चीज़ जरूरी है ना अज तुहानू वह विखाइए। आओ की चीज़ है ये थानू मैं ना बाद दसागा की है लेकिन ये दुनिया के जड़े हकीम ने ना वो ये अगे फेल ने यो चीज़ है। ये खाना खाने तो बाद मैं तुम्हें दसागा, वैसे पता तो लग ही गया होगा लेकिन मैं बस एवं ताडे जी छोटा जा मिठा जा सरप्राइज। इतने काफ़ी है ना पानी से जाया करता है और असी एनू वेच होते हैं ठीक है जी। ये असी एवं 2-3 मिनट इन भिजे रहन देंगे ताकि ये उत्ते अगर कोई मिट्टी घट्टा अगर पिया होगा तो धुप जाएगा लेकिन असी इनू एक दफा फिर फ्रैश पानी का धोवे इधर 2-3 मिनट बस पिया रहेगा ठीक है जी ताकि इधर ना बिचों जरा कोई उद्ते कोई गंद है ना वो उतर जाएगा मिट्टी घट्टा एना फिर पानी बदल के फिर एक दफा धोवे असी।
बस नाजीन मन लगता है कि साड़ी हांडी जी बिल्कुल अला तश हो गई है। देखो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाजी चटनी का समान धुप गया आ गया चंगे उस्ताद ये नींबू क्यों पान लगे हो? एक गुर की गल है मामा ये जो भी तुसी पुदीने की धनिए की चटनी बनानी है ना हाँ जी वो तुसी थोड़ा जहा इन्ना कु नींबू निचोड़ लेना वो इस करके कि ये चटनी काली कदी नहीं होएगी भावें 10 साल भी फ्रिज च पई रहे ये ग्रीन हरी नहीं जिस तरह से अक्सर उकात कमर्शलों से मशहूरिया वेखने टीवी देखे ग्रीन चटनी ये थोड़ा जहा नींबू के चार कतरे पाने नाल ये चटनी ग्रीन ही रहेगी हरी रहेगी काली नहीं होएगी। चटनी आ गई मैं क्या सी ना नींबू के चार कतरे पाने नाल चटनी काली कदी नहीं होएगी ऐ देखो कैसा कलर है चटनी का नाजीन सुबहान अल्लाह है। देखो यह सारा मक्खन है यह सारा मक्खन है कुछ भी नहीं असी पाया हुआ सारा मक्खन है। ठीक है जी यह साड़ी हो गई हांडी रेडी तो यह हम जी अगली असी आइटम कर लगे हैं यह असी ला के रखे साइड पर यह असी चढ़ाया उत्ते। ठीक है जी यह हम असी खाना खावे साढ़े खाना खान तक बेहतरीन तैयार हो जाएगा फिर मैं तुम दसागा क्या की देसी घ्यो दियां चोपड़ियां रोटियां ए देखो सुबहान अल्लाह माना जी पहले मामा ही चेक करो माशाल्लाह जी वाह जी वाह अल्लाह पाक उस्ताद जी तुहानू तंदुरुस्ती सेहत मम्मी तो चेक कर दो मामा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं बयान नहीं कर सकता एक मिनट ये देखो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाना ना मेरा दिल नहीं कर रहा तुसी जाओ वो इस करके क्या वेखो जेड़े मटर ने ना मटर
साड़ी जिंदगी एक बड़ा मेन रोल अदा कर रहे हैं। मटर जड़े ने इन च विटामिन सी, विटामिन ई ते जिंक, ते ये तिने चीज़ा मिल के ना साड़ी बॉडी दे इम्यून सिस्टम नू तंदुरुस्त कर दिया ने, पावरफुल कर दिया ने। समझ जी? लो जी पाएं लो जी नाजिन, शक्कर भी आ गई ते पुदीना भी आ गया। नाजिन रोटी असी बहुत ज्यादा खा ली, क्यों मामा? माशाल्लाह जी, रज के असी रोटी खा ली है। तो रोटी हजम करन दा की तरीका है, ये मैं तुहानू उदों कहा सी कि तुहाडे लई एक सरप्राइज है। तो यह देखो जरा, यह जो असी उदों चढ़ाया सी उत्ते, ठीक है जी, यह देखो। ए देखो जी, ए साडा कावा जिहड़ा है, ये दुनिया की बेस्ट हाजमे की चीज़ है। ये कावा घट इस करे पाया है कि जे मैं फुल भरता तो फड़ोगे कितों एडा गर्म कप है। ए देखो नाज़र जी, ए शक्कर अपनी अपनी मर्जी की ऐड करनगे, मैं सिर्फ एक चम्मच। किन्नी मामा? एक चम्मच। एक चम्मच, ए एक चम्मच, एक चम्मच माने दो चम्मच। लो जी, ये बजुर्ग है जिहड़ा दो चम्मचा पी रहे हैं। लो जी, ए देखो जी, मैं तो पुदीने की पूरी छतरी वेच पाऊंगा, है एक हाथ में जरा फेंटांगा ताकि गर्म गर्म कावे दे विच जरा टेस्ट आ जाए। ए मैं सुट्टांगा विच, ठीक है जी। चुको जी मामा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये अपने हिसाब ना पीना, ठंडा गर्म एवं सीन के चक्कर च ना मुड़ के बदल जाया करके छाले पवा लेना मूँह, ठीक है जी। वाह, मैं कहना यदा ना है जोड़ा मैं तेरे सरप्राइज रखा सी, यदा ना है लैमन ग्रास। अक्सर कावे लोग लीमू भी नचोड़ते हैं, सब कुछ पाते हैं, लेकिन मैं लीमू इस करके नहीं पाया कि यह ऑलरेडी लैमन ग्रास है ना है। ये मतलब घर के सब तो छोटे घर के छोटे जे गमले च भी ला सकते हो, इनू अपनी छोटे जे घर के अपनी दीवार के नाल थोड़ी जी मिट्टी बना के उसे भी तुसी लैमन ग्रास ला सकते हो। कदी जिंदगी तुसी एक गल याद रखना कि 10 रोटियां खा लो, जिन्ना मर्जी रज लो, एक कप तुसी यह पीना है तो ठीक 30 मिनट अद्धे घंटे बाद तुसी फिर कहोगे कि मैं कुछ खाना है। ये वो चीज़ है जिदा नाम है लैमन ग्रास। क्यों मामा जी? बिल्कुल उस्ताद जी, सानू भुख लग गई हाली पी ते लै भी पूरी कोशिश मैं तुहाडे वास्ते मज़े मज़े दे खाने रोटियां बनांदा रहां। अपनी दुआवां च मैनू याद रखना, जफरी खान ZKP।